सच दिखाते हैं हम ताकि झूठ के बाजार में सच फीका ना पड़ जाए कहीं। सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमी की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हर जगह हो रहा है और पूरे देश में कहीं न कहीं लोग इसके विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश में भी आज इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला, कहीं कम तो कहीं ज्यादा नजर आया। पूरे देश में विपक्षी दल मुस्लिम संगठन के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पर लगातार विरोध किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में विभिन्न संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। पूर्णिया में इस बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला। कई राजनीतिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया। सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में इस बंद के समर्थन में रालोसपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वामपंथी संगठन के अलावा कई विपक्षी दल सड़क पर उतरे और समर्थकों के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कानून को काला कानून बताया। बंद को सफल करने के लिए विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर नजर आए, लेकिन पूर्णिया में अधिकांश दुकानें खुली रही। प्रदर्शनकारियों ने शहर के लाइन बाजार और आर एन शाह के समीप सड़क जाम कर यातायात बाधित किया, लेकिन पूर्णिया पुलिस के द्वारा जाम को हटाया गया। पूर्णिया में बंदी के दौरान कई जगह हिंसा की वारदात सामने आई है। शहर के लाइन बाजार और बस स्टैंड के समीप प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों दुकानदारों में झड़प हुई। इस हिंसा में कई लोग घायल हो गए, 3 बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। माहौल खराब करने वाले कई युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताया कि बंदी के दौरान हिंसा की घटना सामने आई है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंद का आह्वान किया गया है, ये बंद का आह्वान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक बावन मित्राम साहब के आह्वान पर किया गया और इस संविधान को जो बदलने का प्रयास किया, प्रयास ही नहीं बदल दिया गया है, संविधान के मूल रूप को बदल दिया गया है मोदी की सरकार के द्वारा, जिसमें तमाम तरह के लोग, सभी जाति धर्म के लोगों को भारत के संविधान में समान अधिकार दिया गया है और ये खास रणनीति के तहत मनुवादी सोच के लोगों के द्वारा भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको चोट पहुंचाने के लिए सीएए जैसे कानून लाया गया है और नागरिकता के नाम पर जो नागरिकता बिल पहले से 1955 में भारत में लागू है उस बिल को छेड़छाड़ करके नए नागरिकता कानून को लाकर धर्म के आधार पर इस देश के मूल भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को छेड़ने का काम किया गया है। इसलिए तमाम भारत के संविधान को मानने वाले सभी तरह के राजनीतिक दल, जन संगठन, वामपंथी दल के लोग, आरजेडी के लोग, बिहार में आरएलएसपी के लोग, हम पार्टी, तमाम लोग एकजुट होकर बहुजन क्रांति मोर्चा के इस आंदोलन में शरीक हैं और भारत के संविधान को बचाने के लिए, सीएए को वापस लेने के लिए हम लोग इस देश के आम जन सड़क पर उतर कर बाध्य करेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक देश में ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या परिचय है? मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का पूर्णिया प्रमंडल का प्रभारी हूँ। आपकी तरफ से कितना व्यापक आज का जो हम लोगों का भारत बंद का कार्यक्रम है, यह हम लोगों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन का तीसरा चरण है। हमारे बाम सेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मिश्राम साहब के द्वारा घोषणा किया गया था कि जो काला कानून मनुवादी सरकार के द्वारा लाया गया है सीएए और ईवीएम के खिलाफ में और डीएनए बेस्ड एनआरसी हो, इन मांगों को लेकर के आज का यह पूरे भारत बंद करने का हम लोगों ने काम किया है और इस बंद में तमाम बहुजन संगठन हम लोगों के साथ में है, जिसमें भीम आर्मी, बहुजन मुक्ति पार्टी, एसडीपीआई, जाप सहित तमाम बहुजन संगठन एवं पार्टियां शामिल है। आज हम लोग तमाम संगठन के लोग एक साथ सड़क पर हैं और यदि सरकार के द्वारा डीएनए के आधार पर एनआरसी नहीं किया जाता है और सीएए और ईवीएम को वापस नहीं किया जाता है तो हम लोगों का आंदोलन निरंतर
अनवरत जारी रहेगा। मेरा नाम अजय भारती, बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष, सह बहुजन क्रांति मोर्चा का जिला संयोजक। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग NRC CAA के खिलाफ आज एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का समर्थन है। और जब तक नरेंद्र मोदी एक काला कानून को वापस नहीं लेगा, देश की एकता को जब तक वो बर्बाद करने के चक्कर में, माहौल को बिगाड़ने के चक्कर में है, तब तक हमारी लड़ाई हमारी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक यह काला कानून वापस नहीं ले लेता है, यही हम लोगों का संकल्प है, हमारे पार्टी का यही ऐलान है। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम राजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष। हम से बंदी का कितना असर अभी तक दिख रहा है पूर्णिया में? तो आप लोग देख ही रहे हैं, अच्छा असर है। बंदी का पूरा आवाम, 80% आवाम जो है दलित मुस्लिम अत्यंत पिछड़ा सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, और हम लोग के उम्मीद से बाहर ये समर्थन मिल रहा है। और ऐसा देखने को लग रहा है कि दलित अत्यंत पिछड़ा और मुस्लिम सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, इसीलिए यह बंद बहुत अच्छा सफल है, पूरे देश में सफल है। आपके स्टैंड से सरकार वापस लेगी अपना कानून और NRC जैसे बिल? तब बिल्कुल NRC वापस लेना पड़ेगा, जो है कि आज वाम दल की बंदी है, उसमें महागठबंधन के सभी साथी जो है कि समर्थन दिए हुए हैं। आज हम लोग आ रहे हैं शाह चौक पे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी कार्यकर्ता के साथ बंदी को सफल बनाने में हम लोग भाग लिए हैं। बंदी सफल पूर्वक अभी तक चल रही है। रमेश कुशवाहा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूर्णिया। सड़क पर बैठे इन लोगों का कहना है कि विकास मार्केट के आसपास से कुछ लोग गुजर रहे थे, तो कुछ लोगों के बारे में कि लोगों के मारपीट किया गया, पथराव किया गया है। इस आधार पर लोगों का डिमांड है कि जो भी इनके साथ बदसलूकी किए हैं उनके खिलाफ जो है कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। उधर विकास मार्केट के भी लोगों का भी इसी तरह का आरोप है। CCTV फुटेज के आधार पर और साक्षियों के जख्मियों के बयान के आधार पर छानबीन करके साक्ष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कितने लोगों के चोट आई घटना में? 3-4 लोगों के बारे में पता चल रहा है। बाकी शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है प्रदर्शन?